वन की यही तो विशेषता है, यहाँ प्रत्येक जीव या तो सम्राट है या मृत देह। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं, इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं। या दोनों मृत दे। अधिक बोलते हो, मेरे अनुक्षण की भांति तुम्हारी भी जीवा पर अंकुश नहीं है। तो मुझे भी अपना अनुजी जानकर मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए वन के सम्राट। मेरी माता ने आपको बुलाया। माता और पिता तो वन में भी आदेश दे सकते हैं। चलो। केवल बातें ही करते हो या कोई परिचय भी है? अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ये परिचय दे नहीं सकता, इसलिए इस समय मेरा परिचय केवल अर्जुन ही है। तुम्हारे धनुष के ऊपर का भाग अधिक भारी है, इसीलिए तुम्हारे तीर दाहिनी दिशा में मुड़ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना है तो प्रथम अपने धनुष से परिचय दो। युवराजाभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं? भ्राता पांडु के निधन के बाद उत्सव का अवसर किस प्रकार हो सकता है? यदि आज का अवसर चला गया तो उत्सव का समय कभी नहीं आएगा जीवन में। किंतु इस समय भ्राता श्री विदुर भी नगर में नहीं है, ताजश्री भी रथ लेकर कहीं प्रवास पर निकले हैं। अघोर साधना तो अमावस्या की रात्र को ही की जाती है, जब सूर्य और चंद्र दोनों लुप्त हों। किंतु अघोर साधना तो पाप है ना भ्राताश्री? अवश्य पाप नहीं। ना। बहना, साधना तो सारी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अघोर का मार्ग परंपरा से विरुद्ध अवश्य, किंतु एक बार ईश्वर प्राप्त हो जाए तो परंपरा का क्या मूल्य है? राजकुमार को अभिषेक हेतु आसन पर बिठाइए।
ये लीजिए माता, वन के सम्राट पधारे। ये सम्राट नहीं है पुत्र, सम्राट के साथ तो बहुत अंतर रखना पड़ता है, बहुत कम समय के लिए, किंतु कर्ण के साथ बहुत निकटता प्राप्त हुई है मुझे। घर त्याग के जाने का स्वभाव आज भी है कर्ण? वो स्वभाव नहीं राजमाता, अनिवार्यता है। माता पिता त्याग कर दें, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है। बात राजमाता, क्या अपरिचितों को भोजन करवाने का स्वभाव आज भी है आपका? तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। अपरिचित नहीं, अतिथि। आओ हमारे साथ भोजन करो। अब मैं बालक नहीं रहा राजमाता, और आप सन्यासिनी नहीं रहे। बालकों और सन्यासियों की कोई जात नहीं होती माजरी। के सम्राट, क्या सामान्य वनवासियों को आपके साथ भोजन करने की अनुमति है?
आज्ञा दीजिए महारानी कुंती। नहीं कर, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा स्थान हस्तिनापुर में है। मैंने तो वन में वास करने का निर्णय किया है, अब मैं हस्तिनापुर में। तुमने हस्तिनापुर का त्याग किया कर, किंतु हस्तिनापुर ने तुम्हारा त्याग नहीं किया कर। संबंध दो पक्षों से बनता है, एक ही पक्ष से टूट सकता है, और मैंने हस्तिनापुर से संबंध अपनी ओर से तोड़ दिया है। किंतु वास्तव में आपके पुत्र राजा बनने योग्य हैं। जिस दिन उनका शासन होगा, मैं अवश्य अपने पिता से अनुमति लेकर लौट आऊंगा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज बनने ही जा रहा है। महाराज, आपसे विनती है, इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व विचार कीजिए। विचार किया था मैंने गांधारी, निर्णय लेने से पूर्व विचार किया था मैंने। दुर्योधन के जन्म से लेकर आज तक सिर्फ एक ही विचार किया है मैंने, किंतु अब कार्य का समय है। दुर्योधन का युवराज अभिषेक नहीं हो सकता। महाराज पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर अभी जीवित है। हाँ, किंतु महाराज जो यज्ञ आरंभ हो गया है उसे रोकने का क्या अर्थ है महाराज? इस यज्ञ को आरंभ करने का अधिकार नहीं था तुम्हें धृतराष्ट्र, इस सिंहासन का अधिकार नहीं है तुम्हें। यदि यज्ञ आरंभ हो ही गया है तो युधिष्ठिर का युवराज अभिषेक करवा दो। किंतु महाराज, आपके अनुज की मृत्यु के पश्चात आप ही तो कुरुवंश के सम्राट हैं महाराज। प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो मंदिर की मूर्ति भी भगवान का रूप नहीं लेती धृतराष्ट्र।
बिना राज्य अभिषेक के तुम किस प्रकार राजा बन गए? पिताश्री, विचार नहीं, अभिषेक कीजिए मेरा। धृतराष्ट्र, ऐसा अनाचार करोगे तो मुझे बल का प्रयोग करना होगा। आप हस्तिनापुर के सिंहासन को समर्पित हैं महामहिम, आप सिंहासन के विरुद्ध बल प्रयोग करेंगे? गंधार राज, मैं भगवान परशुराम का शिष्य हूं। शांतनु और गंगा का पुत्र, मेरे सामर्थ्य को आवाहन मत दो। मैंने कुरुवंश की रक्षा करने का प्रण भी लिया है, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। यदि धृतराष्ट्र, मुझे हस्तिनापुर की रक्षा तुमसे करनी पड़ी तो मैं सच हूं। निर्णय लो धृतराष्ट्र। महाराज परिहार, मुझे एकांत में ताच्छरी से हस्तिनापुर के युवराज के बारे में चर्चा करनी है। कर्ण, तुम्हारे पिता से मैं अनुमति ले लूंगी। अधीरथ, यह हमारा आदेश कि आप अपने पुत्र को हमारे साथ हस्तिनापुर लौटने की अनुमति दे दीजिए। अवश्य महारानी, यदि कर्ण राजकुमारों का सारथी बनने के लिए सज है तो मैं अनुमति दे दूंगा। मेरे रथ में बैठे राजकुमार बार बार रथ से गिर जाते हैं पिताश्री, आपने देखा है। सारथी मत बनो, मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मुझे विश्वास है कि तुम अपने रथ से अपने अनुज को कभी घिरने नहीं दूंगी। वसंत उत्सव के दिन मैं तुम्हारे रथ में प्रवास करूंगा और स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अवश्य वसंत पंचमी के दिन होने वाली परीक्षा मेरे और महामहिम के भाग्य में लिखी है और उस हेतु हस्तिनापुर लौटना अनिवार्य है। राजकुमारों में एक सूत का अनुज बनने की क्षमता कदाचित ना हो,
किंतु यदि मित्र बनने की क्षमता होगी तो अवश्य नहीं गिरेंगे माता। महारानी, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.